नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं एक और नई डिश। हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी खाना खजाना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजरात का फेमस, यानी कि गुजरात की फेमस डिश खमण, वो भी एकदम इजी तरीके से और फटाफट से। फ्रेंड्स, हम लेंगे 2 कप बेसन। बेसन को वैसे तो हमने पहले छान लिया है, फिर भी वापस छान लेते हैं। ये हमने ले लिया है 2 कप बेसन। बेसन बारीक वाला लें, मोटा वाला ना लें, और इसे एक बार वापस छान लेते हैं। इससे क्या है, इसमें एयर आ जाएगी और हमारे खमण अच्छे बनेंगे। बेसन को हमने छान लिया है। जो भी बर्तन लें बड़ा लें, क्योंकि जब हम इसे सारी चीजें ऐड करेंगे तब ये भर जाने वाला है। इसको साइड में रख देते हैं। अब लेंगे एक बाउल, इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप पानी। हमने 2 कप बेसन लिया है तो 2 कप ही पानी लेंगे। कम लगा तो और ले लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे साइट्रिक एसिड, यानी कि नींबू के फूल 1/2 चम्मच। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 5 चम्मच पीसी हुई शुगर। पीसी हुई शुगर ऐड करने से ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हींग, और कलर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे जो हमने बेसन लिया है उसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे। साइट्रिक एसिड से हमारे जो खमन बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। हम इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, पर नींबू का रस में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। धीरे धीरे सारा पानी इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, जब इसे मिक्स करें तो एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें एयर आ जाए और हमारी खमण एकदम अच्छे से बने। जैसे एक साइड में किया है इसी साइड में करें, दूसरी साइड में ना घुमाएं, नहीं तो हमारी खमण खराब हो जाएंगे। ये हमारा बैटर मिक्स हो गया है। 10 मिनट ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं। अब करेंगे एक स्टीमर तैयार। ये हमारे इडली बनाने का स्टैंड है, हम इसको पानी डाल के रेडी कर लेंगे। इधर हमने पानी ऐड कर दिया है और इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं ढक्कन लगा के। और ये इनकी अंदर की प्लेटें हैं जिनमें खमण बनते हैं। खमण, ढोकला, कुछ भी बना सकते हैं। इनको अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से हाथों से तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। दोनों प्लेटें रेडी हो गई है। 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल है। इसे हमारे जो खमण बनेंगे वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच मीठा सोडा। ये 1/2 चम्मच से थोड़ा कम है, क्योंकि हम इसमें इन्हें भी ऐड कर सकते हैं, पर मीठे सोडे से, यानी कि ये सोडा बाई कार्ब है, इससे क्या है खमन बहुत अच्छे बनेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक ही डायरेक्शन में। ये देखिए झाग हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था बड़ा बगोला लेना या बड़ा बर्तन लेना,
ये देखिए एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से इनको घुमाना है। इससे हमारे खमन एकदम स्पंजी बनेंगे। साइड में हमारा पानी भी गर्म हो गया है और अब हम इसको ऐड कर देंगे। आधा भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे, पूरा भरने से ये बाहर निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में हमने ये भर दिया है। अब हम इनको स्टीमर में रखेंगे, इनको पकड़ के, क्योंकि स्टीमर गर्म है इसलिए पकड़ के अच्छी तरह से रखना है। कुछ इस तरह से इसमें ऐड कर देंगे और दूसरे वाले को भी इसमें रख देंगे। हमारे स्टीमर में हमने खमन बनने के लिए रख दिए हैं। जब ये 10-15 मिनट बाद अच्छी तरह से बन जाएंगे फिर हम इन्हें निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें सलाई डाल के देखते हैं। सलाई हमारी एकदम क्लीन निकल गई है, यानी कि हमारे खमन बन गए हैं। अब इन्हें निकाल के 2-3 मिनट बाहर रखेंगे, फिर हम इनकी बंगार करेंगे। इनको स्टीमर से निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे अच्छे से खमन बन गए हैं। अब इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। ये हमारे खमन बनके रेडी हो गए हैं। अब इन्हें पहले थोड़ा सा साइड से निकाल लेते हैं और फिर कट लगाते हैं इनमें। ये अब इनके पीसेस करते हैं। ये देखिए, काटने से पता चल रहा है ना कि हमारे खमन एकदम सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, पीस आप छोटे बड़े अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। इसी तरह दूसरे का भी कर लेंगे। तो हमने कट लगा दिया है। अब एक प्रोसेस और करते हैं। खमन तो हमने बना लिए हैं, अब इसे जो हम ऊपर से राई का बघार करेंगे उसके लिए पहले तेल गरम कर लेते हैं। पहले हम करेंगे तेल को गरम ताकि हम बघार कर सके ऊपर से। एक बड़ा चम्मच हम इसमें ऑयल लेंगे और इसे गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें बघार करेंगे राई का। हम ऐड करेंगे एक चम्मच राई। इसमें जीरा ऐड नहीं करना है, सिर्फ राई ऐड करनी है। गैस को कर देंगे स्लो पे। राई तड़क गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 चम्मच करी लीव्स और साथ ही 3 हरी मिर्ची कटी हुई, क्योंकि खमन के ऊपर हरी मिर्ची आती है ना, और थोड़ी सी हींग। और हमारे खमन को जूसी बनाने के लिए पहले हम गैस बंद करेंगे, थोड़ी सी करेंगे हल्दी पाउडर, इसमें थोड़ा पानी। ऑयल बघार के पानी बनाया था, अब खमन पे ऐड इस तरह से ऐड कर देंगे। पूरे खमन पे इसी तरह से ऐड कर देंगे ताकि इनमें पानी भी चला जाए और हमारे खमन ड्राई नहीं लगे। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हमारी ये खमन खा के कमेंट जरूर करें कैसे बने हैं। एक हमें आपको ये देखिए निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट है ना, लग रहे हैं ना एकदम बाहर जैसे खमन जो हम बाहर से खरीद के लाते हैं। खाने में भी उतने ही टेस्टी है। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे एकदम टेस्टी से खमन बनके रेडी, जो कि गुजरात की फेमस डिश है खमन। और ये नायलन खमन है। यहाँ 2 तरह के खमन बनते हैं, ये नायलन खमन बनाए हैं। साथ में हमने दिए हरी धनिया की चटनी जिसमें हमने लहसुन ऐड किया है, जो कि खमन के साथ खाई जाती है, बहुत टेस्टी है। और एकदम सॉफ्ट खमन आपको तोड़ के भी दिखा दें। देखिए एकदम स्पंजी